हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये स्टार वाली कीचेन बनाने वाली हूँ। ओके, तो मैंने एक स्टार बना लिया है, अब दूसरा साइड बनाऊंगी मैं। ये मेरा कॉटन का थ्रेड है येलो कलर का, और ये 1.75 mm की मेरी क्रोशे की नीडल है। ओके, तो सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग बनाने वाली हूँ। ओके, ये देखिए, पीछे किया मैंने, अपनी नीडल से पीछे वाला थ्रेड अंदर खींचा और उसमें मैं एक चेन बना लूँगी, तो ये सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ सिंगल क्रोशे बनाने वाली हूँ 10, तो ये 10 सिंगल क्रोशे मैं बना लेती हूँ। ये होगी मेरी रो 1। यस, रो 1 में हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं मैजिक रिंग के अंदर। अब हम मैजिक रिंग क्यों बनाते हैं, कि जो मैजिक रिंग होती है ना, उसमें जो एंड होता है, जो एक छोर हमारा छूटा हुआ रहता है, उसको जब हम पुल करते हैं तो वो पूरा जो सर्कल, जो बीच की स्पेसिंग होती है ना, वो पूरी खींच सकते हैं हम। एकदम आपको बीच का जो स्पेस होगा वो दिखाई नहीं देगा, तो वो जो एक नीटनेस आती है ना, वो अलग ही लेवल की हो जाती है मैजिक रिंग में। एक तो नॉर्मली हम 6 चेन या 7 चेन बनाते हैं और उसके बाद फिर उसमें सिंगल क्रोशिया या डबल क्रोशिया बनाते हैं, यू नो, सर्कल करके। पर मैजिक रिंग में वो नीटनेस ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली, एंड हेंस मैजिक रिंग काफ़ी प्रेफर्ड भी है और काफ़ी सारे पैटर्न्स में इसे मैं यूज़ भी करती हूँ। ये देखिए, ऐसे पुल किया और वो सर्कल हमारा छोटा होता जाएगा, और बाद में जो स्टार्टिंग का जो एज है, या तो हम उसे काट सकते हैं या तो हम उसे अंदर ही दबा सकते हैं, क्योंकि हम 2 स्टार बनाएंगे और उसके अंदर कॉटन फिल करके अपनी कीचेन को एक 3D लुक देने वाली हूँ मैं। ये देखिए, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि बीच का जो गैप है ये एकदम ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद एक स्लिप नॉट, जब सबसे पहली वाली चेन है उसमें हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अब है रो 2। सो चेन 1 और उसके बाद सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में मैंने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। सो 2 1 2 1, ये पैटर्न हम रो 2 में बनाएंगे। तो इससे क्या होने वाला है, हमारी रो 2 बड़ी ही बैलेंस रहेगी और वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा हुआ हमें दिखाई देगा। इसे पूरा कंप्लीट करके जो सबसे पहले वाली हमने चेन 1 ली है उसमें हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे, और ऐसे हमारा रो 2 फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ रो 3। अब हम स्टार के ट्रायंगल बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बना लेंगे, और एक छोड़ के, हाँ ये देखिए, दूसरे वाला जो है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद डबल क्रोशे। नेक्स्ट 3 चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे हम। नेक्स्ट 3 चेन में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, तो हम हमारी नीडल पे जो 3 थ्रेड आएंगे हम तीनों को एक साथ ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद जो 3 चेन रहेगी उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सो वो जो जैसे स्टार्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, 5 जो ट्राइंगुलर कॉर्नर्स होते हैं, उस वैसा हमें एक पैटर्न लुक तैयार करना है यहाँ। ये देखिए, ये डबल क्रोशे। ओके, अब एक लास्ट वाला। और 2 चेन छोड़कर फिर अब हम इसमें स्लिप नॉट बना देंगे। 1 2 थर्ड वाले में स्लिप नॉट। ये स्टार का एक ट्रायंगल हो गया। नाउ अगेन हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। सो वापस हम बनाएंगे चेन 8। फोर
फोर फाइव सिक्स एट। ओके, अब सिंगल क्रोशे, उसके बाद में तीन हाफ डबल क्रोशे और तीन डबल क्रोशे। ओके, अब दो चेन छोड़कर थर्ड वाले में स्लिप नॉट एंड अगेन फिर से सेम पैटर्न रिपीट। ये देखिए दो ट्रायंगल बन गए, सेम पैटर्न अब हम रिपीट करेंगे और इसी तरह कंटिन्यू करके ये हम स्टार्स के पूरे जो भी स्टारफिश के हमारे जो फाइव एंगल्स है ट्रायंगल्स हैं उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये मेरा लास्ट वाला ट्रायंगल है और अब ये लास्ट वाला ऑटोमेटिकली मेरे फर्स्ट वाले में स्लिप नॉट हो जाएगा और ये ख़त्म हो गया है। अब मैं इसके एजेस को नीट करूँगी तो हर एक एज में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे ताकि ये देखने में इसका साइज़ भी बड़ा हो जाए और उसके एजेस नीट लगें। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए पूरे एजेस को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने दो बना लिए हैं, अब इन दोनों को हम जॉइन भी करेंगे पर उससे पहले इसमें मैं आईज़ लगाऊंगी और ये स्टार जो मेरी स्टार फिश है इसकी मैं एक स्माइली भी बनाने वाली हूँ। जी हाँ, तो मेरे पास ये जो वॉबली आईज़ मार्केट में मिलती है, ये रहा मेरा स्टार। अब मैं स्टार में ग्लू गन से आईज़ इसकी लगाऊंगी। ये वन आई भैया और ये टू। वाओ नाइस। और अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ इसमें इसकी ब्लैक से स्माइल बनानी है। आई विल बी रेडी टू जॉइन। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, वो है उसे मैं हॉट ग्लू गन से स्टिक कर लिया है और नीडल और थ्रेड से मैंने ऐसे एक स्माइली बना ली है। वॉबली आइज मेरी स्टार फिश के चेहरे पर ऐसे ट्विंग 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 चमकती रहती हैं पूरा टाइम और अंदाजे से आप ऐसे स्माइल बना लीजिए। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, इसे सिंगल क्रोशे करते हुए सारे साइड्स मैंने इसके जॉइन कर दिए हैं। इसका लास्ट एक साइड बचा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर धीरे धीरे मैं इसके जो भी ट्रायंगल्स हैं ना उसमें मैंने कॉटन भर दिया है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं भरा है नहीं तो बहुत हार्ड सा लगता है। वो इतना भरा है कि वो एकदम सॉफ्ट सा क्यूट सा टॉय जैसा एक फील दे। ये देखिए ऐसे एजेस को सिंगल क्रोशे करते हुए अब धीरे से जो ये वाला ट्रायंगल है लास्ट वाला इसमें भी मैं कॉटन भर दूंगी और उसके बाद जो मेरी की चेन है उसमें उससे
अपनी रिंग अटैच कर दूँगी और ये वाली मेरी किचन एकदम फटाफट जल्दी से रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली किचन है, बहुत सिंपल है और इसे हम बहुत सारे अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। हम पिंक स्टार बना सकते हैं, हम रेड स्टार बना सकते हैं, ऑरेंज ट्राई कर सकते हैं, नाइस ब्राइट ऑरेंज स्टार विथ क्यूट लिटिल वॉबली आईज एंड अ क्यूट स्माइल। ये बहुत ही अच्छी है रिटर्न गिफ्ट देने में, किसी को गिफ्टिंग करने में, बर्थडेज पर, यू नो जस्ट हैंगिंग इट ऑन द बैग, या किसी छोटे यू नो बेबीज़ के बर्थडे पार्टीज़ अगर है तो उसमें आप ये गिफ्ट्स दे सकते हैं। समथिंग दैट पीपल विल चेरिश और हैंडमेड है ऑफ कोर्स, तो उसका एक फ़ील अलग ही होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको ऐसे ही कोई और इंटरेस्टिंग किचन या कोई भी क्रोशे रिलेटेड आइटम सीखने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियोस और उसे अपने चैनल पे अपलोड करूँ। आपका प्यार, आपके कमेंट्स, इसी से पता चलता है कि आप और क्या देखना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो मैं भी एज एन आर्टिस्ट इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ। एंड ये देखिए, ये गया मेरा कॉटन। अब मैं इसे पूरी तरह से बंद कर दूंगी, एक चेन लास्ट में करके इसे कट कर दूंगी और उसे हम अंदर की तरफ सिक्योर भी कर सकते हैं। तो इसका स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत नीट, बहुत सिंपल से बनने वाली फास्ट वाली एक क्यूट सी किचन है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। आपने अगर किसी को गिफ्ट किया तो डिड यू ब्रिंग अ स्माइल ऑन एनीबडीज़ फेस? Yes, so I hope you like this. ये लास्ट है, अब ये इसको क्लोज कर देंगे और उसके ऊपर से आप देख लीजिएगा कहाँ पर आईज है सेंटर पे, वहाँ से चार चेन लेके, फोर चेन्स, और उसके बाद मैंने इसे कीचेन में ही अटैच कर दिया है एक चेन करके, एंड देन चार चेन आई हैव ब्रॉट इट बैक अगेन। या तो आप उसे डायरेक्ट भी किचन में हैंग कर सकते हैं। आप इस किचन को बनाना ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगा, आपका कैसे टर्न आउट हुआ। और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोर सच इंटरेस्टिंग क्रोशे प्रोडक्ट्स कमिंग।